उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और इसके पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में विधान भवन के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। प्रदर्शन के दौरान कुछ विधायक महंगाई का विरोध करते नजर आए और कुछ हाथों में गैस सिलेंडर का कटआउट लिए हुए थे। नेताओं ने हाथों में सरकार के खिलाफ बैनर और पोस्टर भी ले रखे थे और सरकार विरोधी नारेबाजी भी वहां पर की जा रही थी। कुछ विधायकों ने हाथों में आईना भी लिया हुआ था और इससे सरकार को सच्चाई दिखाने की बात कह रहे थे, यानी कि सरकार को आईना दिखाने की बात कही जा रही थी। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी का झूठ सबको बताएंगे, भाजपाइयों को आईना दिखाएंगे। सपा विधायक और विधान परिषद सदस्यों में महंगाई और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर आक्रोश नजर आया। विधान परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी, अहमद हसन, सुनील साजन और राजपाल कश्यप के नेतृत्व में सपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए सपा के सुनील साजन ने कहा कि हम लोग सड़क से लेकर सदन तक यूपी के खिलाफ, यूपी के किसानों का मुद्दा और बेरोजगार नौजवानों का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे और महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग सरकार को घेर रहे हैं। साथ ही साथ बता रहे हैं कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में क्या क्या कहा था और 4.5 साल में क्या किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 24 अगस्त तक चलेगा। सरकार 18 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं दूसरी तरफ सत्र से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों से अपील की है कि वो सत्र में भाग लेकर जनहित के मुद्दों पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में भाग लेने वालों का स्वागत है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार गांव, गरीब, किसान की योजना के मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। नौजवान विरोधी सरकार, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार, ये सरकार जो है इसका जाना निश्चित है। हम लोग 4-4.5 साल से बैठते हैं, जिन मुद्दों को लेकर बैठते सरकार एक भी पूरा नहीं किया, चाहे महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, किसानों का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, लोकतंत्र को समाप्त करने का मामला हो, संविधान से छेड़छाड़ करने का मामला हो, जनतांत्रिक प्रणाली को लूटने का मामला हो, ये सार आजम खां के मुकदमे वापस लेने के मामले हो, कोई सरकार सुनी ही नहीं। तो हम लोग चरण सिंह को सुनाते हैं, उन्होंने देश आजाद कराने में अग्रणी भूमिका निभाई, और हाउस अगर चलाएंगे तो हाउस में भी सुनाएंगे। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। आज सपा द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है उसको लेकर बताएं कि जो विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन किया गया, आपने कहा कि सड़क से सदन तक अब बीजेपी के खिलाफ और उसकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर जो मौजूदा हालात हैं पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में खासकर, जो ऐसे मुख्यमंत्री बन के बैठ गए जिनको कुछ नहीं आता, सिर्फ ठोको नीति आती है, सिर्फ द्वेष आता है, सिर्फ नफरत की भाषा आती है, फिर विपक्ष को और सिर्फ विपक्ष को उनमें कमियां ढूंढना और उनको बताना नजर आता है। ये मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति की खूबसूरती नहीं है, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती नहीं है कि एक मुख्यमंत्री सदन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे। जैसा विगत 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में घटित हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी की सरकारें रही है, कांग्रेस की सरकार रही, बसपा की रही, समाजवादियों की सरकारें रही, सब में एक स्पेस रहता है विपक्ष के लिए हमेशा, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती ही है। क्या दिया सरकार ने 4.5 साल में? सिर्फ मोदी जी की कुछ योजनाओं पे आप गिनती करा सकते हैं? योगी सरकार ने क्या दिया? उत्तर प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की सरकार इसीलिए चुनी थी, बेरोजगारी के आंकड़े कम होंगे, रोजगार के अवसर ज्यादा प्राप्त होंगे, लेकिन क्या हुआ ऐसा? क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उल्टे हैं आंकड़े। ये सरकार कहती है कि हम गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, उसी को अचीवमेंट मान रही है, उसी को अगर चाहे तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ भी ले जा सकती है और ये कह सकती है कि भारत विकसित देश बनने की कगार पे, क्योंकि 22-23 करोड़ की जनसंख्या में हम 17 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आप ये बताइए मुस्कान जी कि जिस स्टेट में 23 करोड़ में 17 करोड़ लोगों को अगर राशन दिया जा रहा है, कोरोना काल या गरीबी बताई जा रही, तो वो स्टेट कैसे डेवलप दिख रहा है? कौन से अर्थशास्त्र की नजर से वो डेवलप दिख रहा है? ये बिल्कुल सोचनीय है, जनता परेशान है, और ये सरकार जो लूट रही है उत्तर प्रदेश की जनता को, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। 1 रुपए में इलाज होता था समाजवादियों की सरकार में, गरीब के लिए सरकारी अस्पताल में 100 रुपए का पर्चा 1 तारीख से बनने जा रहा है। 100 रुपए अगर होंगे
तो आप पर्चा, अरे 100 रुपए अगर देना है गरीब आदमी को तो जाके किसी प्राइवेट के यहाँ दिखा लेगा, क्यों सरकारी अस्पताल आएगा वो। तो आप लूट रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान है, खाद नहीं है, बीज नहीं है, दवाएं नहीं है किसानों के लिए, और तो और जो सबसे बड़ी बात है महिलाओं की सुरक्षा नहीं। आज ही उत्तर प्रदेश की घटना बता रहा हूँ, 15 अगस्त को महोबा में एक बालिका जो पीड़ित थी छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में, उसको जिंदा केरोसिन जला के उसको जिंदा जला दिया गया। ये क्या उत्तर प्रदेश में हर दिन नहीं हो रहा है? और लोग क्या बताते हैं कि योगी जी का राज जब से उत्तर प्रदेश में आया तब से अब उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया। अरे कोई चर्चा ही नहीं करता, कोई मीडिया उस पर फोकस ही नहीं करता है। निश्चित तौर पर उनकी सब अच्छाइयां दिखाई जाएंगी। 1 करोड़ की लूट हुई है, ये क्या मैं आज मेरे आंकड़े गलत हो तो बताइए। 1 करोड़ रुपए की लूट, 1.5 करोड़ की लूट मथुरा में हुई है, कल की घटना है। ये क्या है? ये क्या लोकतंत्र में इस तरह ही सरकारें जो मजबूत सरकारें चलती हैं? मनोज जी, आपने जो ये तमाम मुद्दे उठाए हैं ये वाकई मुद्दे हैं, और इसी के साथ जो महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा जो अभी चल रहा है, आपने देखा कि जब लोकसभा और राज्यसभा का सदन चला तो विपक्ष की भूमिका वहां पर क्या रही? विपक्ष चर्चा करना चाह रहा था लेकिन सरकार वहां पर चर्चा करने को तैयार नहीं थी। अगर इसी तरीके की चीजें इस बार यूपी के विधानसभा में होती है तो आप किस तरीके से अपना पक्ष रखेंगे और किस तरीके से तमाम मुद्दों को उठाएंगे? मुस्कान जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का आज वक्तव्य है पेपर में, ये मैं पेपर की खबर बता रहा हूँ, कि जिस तरीके से लोकसभा में बिल पारित हो गए बिना चर्चा के, 40-45 से ज्यादा बिल पारित कर लिए सरकार ने बिना चर्चा के, तो उनका तो ये चिंता है कि ये कैसे कानून सरकार बना रही है, कि विपक्ष से चर्चा तक नहीं हो रही, उस कानून के मसौदे क्या क्या है ये तक नहीं तय हो पा रहा है। आप बताइए जी। ठीक है मनोज जी, जी ठीक है। देखिए समय की कमी है इसलिए रोक रही हूँ आपको, फिलहाल देखना होगा कि यूपी विधानसभा में किस तरीके से विपक्ष मुद्दे रखता है। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम हमारे साथ चर्चा करने के लिए।